हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज सुबह कुछ 6 बज रहा है और बगल में जो है ना खेत जोता रहा है, तो ट्रैक्टर जो तो उसी का आवाज़ आ रहा है, ट्रैक्टर का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गेहूँ बोआएगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। और गाइस, यहाँ पर तो हम सुबह सुबह उठ के आ गए हैं अपने अड्डे पर, यानी अपने किचन में सीधे, और यहाँ पे लगे गए हैं काम करने में। यहाँ पे दाल उल मेरा पक रहा है कुकर में, और यहाँ पे चाय बनाने के लिए पतीले में रखे हैं पानी, इधर साइड रख दिए हैं सब्जी उब्जी काट करके, क्योंकि दाल हो जाएगा तो उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। तो गाइस, आज हमारी आई है छोटी सिस्टर, जो बहुत हम खुश हो गए हैं, यानी बहुत खुश है कि हमारी छोटी सिस्टर आई, क्योंकि 2 दिन का उसका छुट्टी था, वो उसका घूमने का मन कर रहा था, तो गाइस इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पे आई है। तो आप लोग उससे मिलवाएंगे उससे, तब तक वीडियो में बने रहिए, कह रही वीडियो में गाइस बने रहिए और चलते हैं। तो गाइस देखिए, अभी सीटी मारेगा, अभी आवाज़ आ रहा है थोड़ा धीरे धीरे, अभी मारेगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हमारा सिलेंडर जो है भरा के आ गया है, क्योंकि सिलेंडर भराया नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लाइट वाइट कट जाती थी, तो मेरे को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो खाना जल्दी बन नहीं पाता था, क्योंकि लाइट का कोई वैल्यू नहीं, कब कटेगा कब आएगा कोई वो नहीं, तो इसलिए हमने गैस भरा लिया है। तो हमारा गैस भरा के आ गया, आज पूरा व्यवस्था करेंगे, यानी उसको पूरा लगाएंगे सिलेंडर और चूल्हे को। तो गाइस चलते हैं, यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल, क्योंकि हमारे घर में सरसों ही इस्तेमाल होता है तेल, तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार तेल डाल सकते हैं, हम इतना ही ऐड कर रहे हैं इसमें। अब इसमें ऐड कर देते हैं तड़का देने के लिए, आप चाहे पचफोरन का यूज करिए, चाहे सरसों का यूज करिए। तो आज हम डालेंगे सरसों का तड़का देंगे, तो चलते हैं। गाइस हमने यहाँ पे सरसों ले लिया है, और इसे गांव के भाषा में कहते हैं सरसों, और इसका नाम रहा है राई, तो हम लोग गांव के भाषा में सरसों ही कहते हैं इसको। तो हमने डाल दिया है यहाँ पे, अब डालेंगे मिर्चा, थोड़ा सा देखिए लाल हो गया है हमारा कढ़ाई, तेल लाल हो गया है, अब इसमें डालते हैं मिर्चा। फाइनली मेरा जो तेल लाल हो गया, अब इसमें डाल देते हैं मिर्चा। सब्जी को तीखा बनाने के लिए थोड़ा सा मिर्चा डालना जरूरी है, जिसको तीखा नहीं पसंद है वो मिर्चा ना डाले, क्योंकि हमारे घर पे तीखा पसंद है, हम मिर्चा डाल रहे हैं इसमें। तो सब्जी को डाल देते हैं इसमें, हम सब्जी डाल देते हैं। तो फाइनली गाइस हम सब्जी को कढ़ाई में डाल दिए हैं, छोड़ दिए हैं, और इसको अच्छे से चला देते हैं। ये हमारे घर में सब्जी अच्छे से चला दी है। तो गाइस हमारे घर में सब्जी नहीं था, तो आज हम आलू का सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा सा मटर था उसको भी ऐड कर दिए, इसमें डाल दिए हैं। तो आज सब्जी मार्केट से लाना है, तो आज हम आलू का ही भुजिया बना रहे हैं, थोड़ा सा मटर इसमें डाल दिए हैं जो घर में था, उसको ढक देते हैं गाइस। तो गाइस इसको देखिए, हम ढक दिए हैं धीमी आँच पे पकने के लिए, इसको छोड़ दिए हैं ताकि अच्छे से पक जाए धीमी आँच पे। तो चलते हैं, दाल खाली कर लेते हैं अपना पतीले में, अभी जस्ट उतारे हैं, तब इसमें गैस है, उसका गैस अभी निकल जाएगा, फिर इसको दाल इसमें खाली करेंगे, इसके बाद हम चावल को डालेंगे कुकर में। तो फटाक से इसका गैस निकाल लेते हैं गैस। तो गैस देखिए, फाइनली मेरा जो है ना कुकर का सीटी का हवा निकल रहा है, मतलब गैस निकल रहा है, गैस लगभग सब निकल गया है। तो गैस देखिए, फाइनली हमारा जो है गैस निकल गया है इसमें का कुकर का, तो इसका ढक्कन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये खाली में अच्छे से निकल जाएंगे इसे, तो अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से निकल गया है, और देखिए इसमें से भाप निकल रहा है। चम्मच इसमें नमक डाल दे रहे हैं, 1 चम्मच हमने लिया है, आप चाहे अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हम 1 ही चम्मच डालते हैं, इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये हमारा जो सब्जी है ना अच्छे से ब्राउन हो रहा है, देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है,
देती हूँ इसको। तो देखिए हमारा दाल भी खाली हो गया है, इसको ढक देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है थाली में चावल, क्योंकि चावल भी बनाना है, अभी रोटी बनाना है तो अभी आटा नहीं लाया है। तो पहले अब चावल डाल देते हैं सब्जी होने के बाद। तो सब देख लेते हैं था कि इसमें कंकड़ वंकड़ ना ना है कुछ। तो इसको थाली में निकाल लिया, इसको अच्छे से थोड़ा सा भिगने देते हैं। कुछ है नहीं ना, कीड़ा उड़ा भी नहीं ना है, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो गाइस फाइनली हमारा जो है ना सब्जी जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो गाइस फाइनली हमारा आलू फ्राई हो गया है अच्छे से, एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है। हैं मसाला और हल्दी पाउडर। तो गाइस हमने यहाँ पे देखिए हल्दी ले लिया है, तो इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं मसाला। तो मैंने यहाँ पे देखिए इतना मसाला ले लिया है, डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से चला देते हैं ताकि मसाला जो है ना मेरा अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम धनिया को डालेंगे, धनिया लास्ट में डालेंगे जब मसाला मेरा अच्छे से पक जाएगा। तो इस पे हम कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ देखिए हम चावल को धुल लिए हैं अच्छे से जो है। अब इसको डालते हैं कुकर में। तो गाइस फाइनली देखिए हमारा जो मसाला जो है पक गया है, मसाला जो हमारा पक गया है ऐसे करके। तो देखिए हमारा जो मसाला जो है अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया, हरा धनिया डाल देते हैं। तो गाइस देखिए हमने बारीक धनिया को काट लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं और इसके बाद अच्छे से मिला देते हैं। तो ये हमारे खेत का धनिया है, देसी धनिया है, इसका महक बहुत अच्छा है इसका। कि हम यहाँ पर चावल कुकर में चढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे मेरा चावल हो रहा है इधर साइड। गाइस देखिए हमारा जो है सब्जी जो है रेडी हो गया, इसको नीचे उतार दिए हैं और इसको अच्छे से खाली कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। पे आटा गुथा रहा है हमारा, हमारी छोटी बहन जो गूथ रही है। हमें कह रहे हैं चावल भी लगभग हो ही चुका है, पेटी भी बोल रहा है। देखिए यहाँ पर चाय बनाने के लिए देखिए पतीले में रख दिया पानी उबलने के लिए, अब इसमें जा रहे हैं आधी डालने। हमारा फाइनली आटा गूथ गया है, यहाँ पर रख लिए हैं, अब इसका रोटी चल रहा है बनाने। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा चाय देखिए उबाल आ रहा है, चाय भी लगभग मेरा पक रहा है, खोल रहा है। चावल देखिए बन गया है, यहाँ नीचे उतार दिए हैं। देखिए हमारा चावल हो गया, अभी भाप निकल रहा है। तो गाइस आज हम जो है फाइनली आज हमने जितना भी खाना बनाते हैं जो भी आज मैंने पूरा वीडियो शूट किया है, तो आप लोग देखिएगा जरूर, वीडियो में बने रहिएगा और पूरा कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज हमने दाल चावल सब्जी चाय जो भी रोटी तो भी बनाना है। तो अभी हमारी बहन पानी लेके आई है, आओ सुमन अंदर लेके आओ, हमने इधर सुख किसी है। तो गाइस सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड लगता है, तो इसलिए देखिए हम स्वेटर भी पहने हैं, अपना कान भी बांधे हैं और शॉल भी ओढ़े हुए हैं। तो गाइस वीडियो तो बने रहिए और चलते हैं रोटी बना लेते हैं फटाक से, क्योंकि टाइम हो गया 7 बजने वाला है, क्योंकि पापा को जाना है ड्यूटी, तो रोटी बना के रेडी करना है। तो गाइस चलते हैं रोटी बना लेते हैं, चलते हैं। आप अपने घर का जो है हरा चाय पत्ती देखिए, हरा वाला जो चाय पत्ती हम डाले हैं इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने डाल दिया है इसमें। तो बहुत टेस्टी लगता है चाय पीने में, तो भी पक रहा है। फाइनली मेरा हो ही चुका है गाइस, इसको नीचे उतार लेते हैं। गाइस फाइनली मेरा चाय देखिए पक गया है, इसको ढक दे ताकि ठंडा ना हो जल्दी से रोटी बनाने के लिए। गाइस देखिए तवे पर रोटी डाल दिए हैं, ये मेरा रोटी चल रही है, हो ही चुका है लगभग, और यहाँ पे देखिए बेल रहा है रोटी। तो ये रोटी मेरा फाइनली बन चुका है, सारा खाना बन चुका है। तो
गाइस वीडियो बने रहिए और वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।